तार कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग बोग बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनीति अरिफिन सबू ने विद्यासिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया मिलिया पिग बॉन्ग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक परिवार पर, से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा सहा मीड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं सुंदर में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सो ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सहू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अव्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सिक्रियवर दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है है ऊंचाई तक ये इनका जीवन साथी अर्पिता है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रोथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने 2013 में भालूबासा जिंदाबाद और रोम चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना बेदिया विदा विद्याशिना शाहिम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छे जे जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो तो हजार से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस्तोर वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी वन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो हज़ार सात को गया मेरिल प्रमुथ अवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है एजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और खोजोनों खोजोन को दो हजार तीन में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यवस्था अभिनेत्री मंडल निर्देशक्रेवा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसके जीवन साथी उम्र सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के मेट में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर कटा मूवी के फैक्टोर रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सवू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पि एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनीति अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया मिलिया पिग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक मैथ गायक, चार्ड के साथ रूप से, जुड़ जाता है जो एक पर, से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा साह चाइल्ड मीम चाइल्ड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राणा हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सहू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले दो 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अवलिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रियवर्ष दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका अर्पिता है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रोथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालोबासा जिंदाबाद और चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह रहमान द्वारा निर्देशित फ़िल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि शिना बेदिया विदा शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छेद जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषा अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो हजार सात से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी वन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी दो हज़ार बाईस में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो हज़ार सात को गया मेरिल प्रोमुथलीपुरु अवॉर्ड दो हज़ार नौ को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो हज़ार पंद्रह में जो बांग्लादेश में दिया गया है एजीविका के बारे में देखा गया मीम ने दो हज़ार सात में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंद्र के साथ टॉलीवुड में भी काम किया जो जो है इस जो है इस फिल्म में नजर आई उन्हें का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को मेघ में कहाजोन ब्रिष्टि दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की इनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यविष्य अभिनेत्री मंडल निर्देशक है क्रेबा सन उन्नीस सौ बानवे से वर्तमान तक थी और इसके जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थेके की मेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ में उनका बताया जाता है इसके बाद तारकटा मूवी के फैक्टोर रिव्यू तारकटा दो की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारूक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला मर, आ, बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनीति अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया बिग पिग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक सी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा मेम मीड मेम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाजुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोडोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक रणा हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा आता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सबू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मैरिलो प्रो, प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अवलिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सिक्रियव दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबाशा जिंदाबाद और रोमें चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह में रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना शाहमीम विद्याशिना शाहिम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर जे जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविधशाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो तो हजार सात से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी वन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो को गया मेरिल प्रमुथ एलिपुरुअवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को खोजोनों में कहा खोजोनोवृष्टि दो हजार में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की इनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यविष्ट अभिनेत्री मंडल निर्देशक व्यक्तिबा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थेके की मेट में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग बोग बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया दिल्टी मल्टीमीडिया बिग पोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक मैथ गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर परिवार से हैं। यह है रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा मीम चाइल्ड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोडोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान है, बब बबलू बोस है मोनिर हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक है, एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तर्कता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सहू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे या टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अवलिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रिय वर्ष दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवन अर्पिता है। और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबाशा जिंदाबाद और रोमेंट चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह में रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना शाहमीम बिदिया विद्याशिना शाहिम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छे जय जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषशाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी जैन साथी सोनी पोदर हैं इनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार को गया मेरिल प्रमुख एलिपुरु अवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और कुछ, को खोजोनो खोजोनो ब्रिष्टि दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यवस्था अभिनेत्री मंडल निर्देशक वैक्रेवा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसकी जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के मेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुल इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया ज मल्टीमीडिया मीडिया पिग बॉन्ग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वानी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक परिवार पर, से है। यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा साम चार्ड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फ़ारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना हैं एबी रोकोन है साजिब नीम हैं और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तर्काता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सबू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अब्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रियव दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवनसाथी साथी अर्पिता समझदर है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालोबाशा जिंदाबाद और रोमेंट चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सबसे अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह आस, रहमान द्वारा निर्देशित फ़िल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि शिना सहमीम बेदिया शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हुमायूँ अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर जे जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविशाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार को गया मेरिल प्रमुथ अवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंद्रा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को हजार मेघ में में, कहा, दो में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की इनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यवस्था अभिनेत्री मंडल निर्देशक वैक्रेवा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसकी जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के मेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुल इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग बोग बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने विद्यासिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया दिल्टी मीडिया पिग पोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वकांक्षी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक मध्यवर्गीय पर, मध्यवर्गीय परिवार से हैं यह है रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्धा सिन्हा शाह मीम चाइड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फ़ारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान है, बब, बबलू बोस है मोनिर हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक है, एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रूमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन साहू जो है सबू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंखला हा ना अब्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रियवर्ष दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे चुए दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवनसाथी अर्पिता समझदर है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के, के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबासा जिंदाबाद और रोमेंट चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर और फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि शिना सहमीम बेदिया शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छे जोन को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ बानवे को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो हजार सात से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपरस्टार चैनल आई सुपरस्टार 2007 को गया मेरिल प्रमुथ अवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्ष चैनल आई सुपरस्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंद्रा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को कोजोनो तीन में 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेत्री मंडल निर्देशक व्यक्तिबाद सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसकी जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के मेट में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारूक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग पिग बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया जद मल्टीमीडिया बिग पिगोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वान्शी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक मध्यवर्गीय पर, मध्यवर्गी परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा सहा चाइल्ड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फ़ारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन अरिफिन जो है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मैरिलो प्रो, एलो प्रो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अब्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रियवर्ष दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे जो दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवनसाथी अर्पिता समझदर है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दोरोगो प्रेम कहानी के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबासा जिंदाबाद और रोमेंट चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह आस, में रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर और फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना शाहमीम बेदिया शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने दो हज़ार आठ में हमायूं अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छे जोल जे, जे को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ बानवे को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो हजार सात से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस्तोर वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो हज़ार सात को गया मेरिल मैरिल प्रमुथ अवार्ड दो हज़ार नौ को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो हज़ार पंद्रह में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने दो हज़ार सात में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को को उन्होंने में को जोनो प्रतिष्ठित 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म 3 नवंबर सन 1972 को খুলনা बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेत्री मंडल निर्देशक 1992 से वर्तमान तक थी और इसकी जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के मेट में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सवू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारूक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पि एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया मल्टीमीडिया बिग पिगोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वान्शी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर मध्यवर्गी परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा सहा मीम चाइड मीम के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फ़ारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रूमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तर्कता और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद आरेफिन सवु। आरेफिन सवु जो है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मैरिलो प्रो, एलो प्रो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अवलिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रिय हज़ार सात वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवनसाथी अर्पिता समझदर है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दोरोगो प्रेम कहानी के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालोबासा जिंदाबाद और चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह में रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर और फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना शाहमीम बिदिया विद्याशिन्हा शाहिम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इंप्रेस टेलीफिल्म लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्चे जो जे, जे उनको अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन 1992 को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एमए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विषय अभिनेत्री मॉडल लेखक है सकरेबल 2007 से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दसोर वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी जैवन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो हज़ार को गया मेरिल प्रोमुथयालिप्रो अवार्ड दो को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को, में में कहा, को तीन में में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यविष्य अभिनेत्री मंडल निर्देशक सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसके जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के की मेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सवू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पि एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने विद्यासिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया दिल्टी मिलिया बिग बॉन्ग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित के है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक सी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर मध्यवर्गीय परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा सहा मीड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक है, एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया था एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तर्कता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद आरेफिन सवु। आरेफिन सवु जो है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मैरिलो प्रो, प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अव्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सिक्रियवर दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवन साथी अर्पिता है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दौरोगो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रोथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालोबाशा जिंदाबाद और चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सबसे अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह आस, रहमान द्वारा निर्देशित फ़िल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना बेदिया बिदिया विद्याशिन्हा शाहिम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छे जय जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषा अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पूर्डमो पातर जोल सुल्तान दस्तोर वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो को गया मैरिल प्रमुथ अवार्ड दो को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को खोजोनों में कहाजोन ब्रिष्टि दो हजार में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यविष्य अभिनेत्री मंडल निर्देशक के बाद सन उन्नीस सौ बानवे से वर्तमान तक थी और इसके जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थेके की मेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद तारकटा मूवी के फैक्टर रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारूक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने विद्यासिन्हा सहा मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया मीलिया पिगोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वंशी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक मध्यवर्गी पर, परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा सहा मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोडोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर अरहमान हैं बब, बबलू बोश है मोनिर हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रूमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया था तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा न अव्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सिक्रियवर दो हजार वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवन साथी अर्पिता है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रोथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालोबासा जिंदाबाद और चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर और फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना बेदिया बिदिया विद्याशिन्हा सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक

पाँच फीट एट इंच थी जैवन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो को गया मेरिल प्रोमुथयालिप्रो अवार्ड दो को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को खोज दोनों में कहा दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यविष्य अभिनेत्री मंडल निर्देशक्रेवाल सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के की में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर कटा मूवी के और रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन आरिफिनसवू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारूक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग पोग बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनीति अरिफिन सबू ने विद्यासिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया मिलिया पिग बॉन्ग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक गायक, चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक परिवार पर, से है। यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा मीम चाइल्ड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना है एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं सुंदर में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सो ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सहू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे आर टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अब्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सिक्रियव दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है, ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवन अर्पिता है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दोरोगो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रोथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने 2013 में भालोबासा जिंदाबाद और रोम चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में आसिकुर रहमान द्वारा निर्देशित फ़िल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन ट्रीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना बेदिया विदा विद्याशिन्हा सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस जे, जे बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविशाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो हजार सात से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो को गया मेरिल प्रमुख लिप्रो अवार्ड दो को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है एजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को खोजोनों में, में कहा दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यवस्था अभिनेत्री मंडल निर्देशक है क्रेवर सन उन्नीस सौ बानवे से वर्तमान तक थी और इसके जीवन साथी उम्र सनी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थेके की मेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद तार कटा मूवी के फैक्टर रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारूक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला मर, आ, बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज से उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया मीलिया पिगोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक सी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर परिवार से है। यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा साह मीड मीम चाइल्ड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बब बबलू बोस है मोनिर हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक रणा हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया था एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा आता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सबू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा न अब्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सिक्रियवर दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवन अर्पिता है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ मुख्य धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रोथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबाशा जिंदाबाद और चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि बेदिया विदा शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छेद जोन को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विभिन्न अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो हजार से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पूर्डमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी थीवन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी दो हज़ार बाईस में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार दो हज़ार सात को गया मेरिल प्रोमुथलीपुरु अवॉर्ड दो हज़ार नौ को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दो हज़ार पंद्रह में जो बांग्लादेश में दिया गया है एजीविका के बारे में देखा गया मीम ने दो हज़ार सात में लक्स चैनल आई सुपरस्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को मेघ में, में कहाजोन ब्रिष्टि दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की इनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुल्ला बांग्लादेश में हुआ व्यविष्य अभिनेत्री मंडल निर्देशक विक्रेबा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसके साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थेके की मेट में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा दो हज़ार चौदह की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग बोग बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक कि मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनीति अरिफिन सबू ने विद्यासिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया द मल्टीमीडिया बिग पिग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक सी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर परिवार से हैं। यह है रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा साह चाइल्ड मीम चाइड के रूप में है मोसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बबलू बोस है मोनिर बब, हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक रणा हैं एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा आता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन साहू जो है सबू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अवलिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रियव दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दोरोगो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबाशा जिंदाबाद और रोमें चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह में रहमान द्वारा निर्देशित फ़िल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना शाहमीम विद्याशिना शाहिम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर जे जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविष्य अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी वन साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार को गया मेरिल प्रमुथ एलिपुरुअवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने दो में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को खोजोनों खोजोन को दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यविष्य अभिनेत्री मंडल निर्देशक व्यक्तिबा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थेके की मेट में दिखाई दी और व्यक्तिगत जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर तारकटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुलस इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबी के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया ज मल्टीमीडिया बिग पिग पोंग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक सी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक पर परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा मीम चाइल्ड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फ़ारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान हैं बब बबलू बोस है मोनिर हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक राना हैं एबी रोकोन है साजिब नीम हैं और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तरकाता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सहू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अवलिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रियवर्ष दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवनसाथी अर्पिता समझदर है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दो प्रेम कहानी के साथ धारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालूबाशा जिंदाबाद और रोमेंट चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मेरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में सोलह में रहमान द्वारा निर्देशित फिल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि विद्याशिना सहमीम विदा शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हमायू अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर उच्छे जय जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रीयता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविषशाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी जैन साथी सोनी पौदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार को गया मेरिल प्रमुथ अवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने दो में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंद्रा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को खोजोनो खोजोनो ब्रिष्टि दो हजार 2003 में अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यवस्था अभिनेत्री मंडल निर्देशक वैक्रेवा सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसकी जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण सन उन्नीस सौ नब्बे के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश में फिल्म कीमत थे के कीमेट में दिखाई दी और व्यक्ति का जीवन जो है वो सन उन्नीस सौ छियानवे में उनका बताया जाता है इसके बाद शहर कटा मूवी के फैक्टो रिव्यू तारकटा 2014 की एक बांग्लादेशी रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है जिसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने लिखा है और निर्देशित किया है सहायक भूमिकाओं में आरिफिन सबू विद्याशिना शाह मीम मौसमी फारुक अहमद डॉक्टर एजाज एजाजुल इस्लाम और अहमद शरीफ है फिल्म का निर्माण पिग एंटरटेनमेंट बैनर तले शुक्ला बनिक ने किया था यह मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज की तीसरी की तीसरी दिशा थी और छाया चौबीस के बाद अरिफिन सबू और मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज के बीच दूसरा संयोग था फिल्म का निर्देशक मोहम्मद मुस्तफ़ा कमाल राज ने किया लेखक मोहम्मद मुस्तफ़ा राज थे उत्पादित किया शुक्ल बनिक ने अभिनी अरिफिन सबू ने सिन्हा शाह मीम ने मौसमी ने फारूक अहमद ने डॉक्टर अजाजुल इस्लाम ने अहमद शरीफ ने संपादित किया फरहाद अहमद ने संगीत अरफिन रूमी हसीन मेहताब वितरित किया जद मल्टीमीडिया बिग पिग बॉन्ग मनोरंजन रिलीज 6 जून 2014 देश बांग्लादेश कहानी इब्राहिम द इर्द गिर्द केंद्रित है जो एक कुख्यात अपराधी है जिसे एक साधारण लड़की से प्यार हो जाता है जो एक मध्यवर्गीय परिवार से आने वाली एक महत्वाकांक्षी गायिका है फिल्म का पहला भाग उन घटकों की पड़ताल करता है जिसके कारण इब्राहिम अपराधी बन गया था फिल्म का दूसरा भाग प्रति पक्षी का परिचय देता है शार में देखा है कहानी एक मध्यवर्गीय भाई और बहन इब्राहिम और मौसमी और उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमती है इब्राहिम एक गिर एक गिरोह के साथ अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाता है और माफिया डॉन के रूप में काम करने पर दूसरे दूसरों को डराता है वह एक महत्वान्शी गायक चार्ड के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है जो एक मध्यवर्गी पर, परिवार से है यह रोमांस के साथ एक एक्शन फिल्म है जिसमें तीन बेहद काबिल सितारे हैं ढालना इब्राहिम उर्फ उबू के रूप में आरिफिन सबू है विद्या सिन्हा सहा मीड मीम चाइड के रूप में है मौसमी इब्राहिम की बड़ी बहन के रूप में हैं असलम शेख के रूप में फ़ारूक अहमद हैं मूसा राज के रूप में डॉक्टर एजाज़ुल इस्लाम हैं उमर सानी उनके दिवगत बहनोई के रूप में हैं बाल कलाकार के रूप में लुबाबा दिया है अहमद शरीफ है सूरज खान के रूप में हसन मसूद है और कोचिड खोड़ोकर है डॉक्टर नाजिम उद्दीन राजू है जोया चटर्जी है मोहम्मद मतियूर रहमान है, बब, बबलू बोस है मोनिर हुसैन है मोहम्मद मजेदुल हक है, एबी रोकोन है साजिब नीम है और परिजात चटोदी है संगीत फिल्म का संगीत आरिफिन रोमी ने तैयार किया संगीत लेजर विजन के बैनर तले तैयार किया गया संगीत दस अप्रैल दो हज़ार चौदह को जारी किया गया तो एल्बम में बारह ट्रैक हैं संदर्भ में देखा गया कि सबसे अच्छा तर्काता आरिफिन सहू ढाका टाइम्स ऑफ दो हजार चौदह और पच्चीस अप्रैल दो हजार चौदह को पुनः प्राप्त हुआ था इसके बाद अरिफिन सहू अरिफिन सहू जो है सबू एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेता और टेलीविजन व्यक्तित्व है वह कई पुरस्कारों के, के नामांकन प्राप्त करता है जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है दो मेरिल प्रो प्रोथम एलो पुरस्कार है उन्होंने 2010 में अपनी पहली फिल्म जागो डे टू ड्रीम में प्रदर्शन किया इससे पहले वे 2007 में टेलीविजन श्रृंगला हा ना अब्लिक ना में अपनी शुरुआत की इनका जन्म 2 फरवरी सन उन्नीस को भालू का मेम मेमन सिंह बांग्लादेश में हुआ व्यवसाय अभिनेता रेडियो व्यक्ति टेलीविजन पुरस्कर्ता प्ले बैंक सिंगर नमूना है सक्रिय वर्ष दो वर्तमान तक है उल्लेखनीय कार्य जो इनके उल्लेखनीय कार्य थे वे दिल मौन है ढाका है अटैक है मुसाफिर सहा है ऊंचाई है तक ये इनका जीवनसाथी साथी अर्पिता समझदर है और उन्होंने 2013 में अपने पूर्ण दोरोगो प्रेम कहानी के साथ मुख्यधारा के सिनेमा में शुरुआत की फिल्म में उनकी नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें मैरिल प्रथम अलो अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ सब अभिनेता के लिए नामांकन किया गया बाद में उन्होंने दो में भालोबासा जिंदाबाद और रोमेंट चौदह में रोमांटिक एक्शन फिल्म अग्नि में अभिनय किया 2015 में चू दिल मौन में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अपना पहला मैरिल प्रोथोम एलो पुरस्कार दिया गया बाद में उन्हें 2016 में आसिकुर में रहमान द्वारा निर्देशित फ़िल्म मुसाफिर में अभिनय किया गया और 2021 में उन्होंने मिशन एक्शन टीम एक्सट्रीम में अभिनय किया और यानी सनी सोनोवर और फैसल अहमद द्वारा निर्देशित तो उनकी आने वाली परियोजनाओं के मुजीब द मेकिंग ऑफ द नेशनल नूर और फुटबॉल में सेवेंटी वन शामिल है इसके बाद बताया जाता है कि शिना सहमीम बेदिया शिना सहसीम जो है एक बांग्लादेशी अभिनेत्री है और मॉडल है उन्होंने 2008 में हुमायूँ अहमद द्वारा निर्देशित एक इम्प्रेस टेलीफिल्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अमर जे जोल को अपनी शुरुआत की इनका जन्म 10 नवंबर सन उन्नीस सौ को राजशाही बांग्लादेश में हुआ राष्ट्रता बांग्लादेशी शिक्षा बंगाली साहित्य और एम ए दक्षिण पूर्व विश्वविद्यालय विविशाही अभिनेत्री मॉडल लेखक है सेक्रेबल दो से वर्तमान तक के उल्लेखनीय कार्य जो थे अमर अच्छे जोल पोडमो पातर जोल सुल्तान दस और वीर ऊंचाई पाँच फीट एट इंच थी साथी सोनी पोदर हैं जिनसे इनकी साथी 2022 में हुई पुरस्कार लक्स चेन्नई आई सुपर स्टार चैनल आई सुपर स्टार को गया मेरिल प्रमुथ अवार्ड दो हज़ार को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2015 में जो बांग्लादेश में दिया गया है आजीविका के बारे में देखा गया मीम ने 2007 में लक्स चैनल आई सुपर स्टार में भाग लिया और वह प्रतियोगिता में विजेता रही इसके बाद उन्होंने निर्देशक राजा चंदा के साथ टॉलीवुड में भी काम किया मौसमी जो है इस फिल्म में जो नजर आई है उन्हें मौसमी का जो नाम है आरिफा परजीवन जमान जिन्हें मौसमी के नाम से बेहद जाना जाता है एक बांग्लादेशी फिल्म अभिनेत्री और निर्देशक हैं उन्होंने मेघला आकाश 2001 में देवदास 2013 में तारकाटा 2014 में अपनी भूमिकाओं के लिए तीन बार सबसे अभिनेत्री का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता उन्होंने 150 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और को हजार तीन में में, में दो अपने निर्देशक के लिए शुरुआत की उनका जन्म तीन नवंबर सन उन्नीस को खुलना बांग्लादेश में हुआ व्यवस्था अभिनेत्री मंडल निर्देशक वैक्रेव सन उन्नीस सौ से वर्तमान तक थी और इसकी जीवन साथी उमर सानी थे इनके बच्चे दो थे इनकी जीविका के बारे में देखा गया कि मौसमी ने कम उम्र में से ही अभिनेत्री और गायिका के रूप में अपना काम करना शुरू किया उसने कई फिल्मों में अभिनय किया और कई पुरस्कार भी जीते उन्होंने अनोड़ा विचित्रा फोटो सौंदर्य प्रतियोगिता जीती जिसके कारण 1990 उन्नीस सौ के दशक में टेलीविजन विज्ञापनों में उनकी उपस्थिति हुई वह पहली बार बांग्लादेश